हर हर महादेव सर, हर हर महादेव। काशी वालों को हर हर महादेव से दिन शुरू होता है। सर मैं आज आपसे मिलके बहुत खुश हूँ। सर सर मैं कृषि विज्ञान संस्थान में पौधे की रोगों के ऊपर मेरा विशेष शोध है, और उसमें मेरा एक सबसे बड़ा प्रयास ये है कि जो हम लोग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करते हैं वो ज़मीनी स्तर पे अभी वो उतरे नहीं है पूरा चीज़। मेरा इसलिए प्रयास ये है कि हम किसानों को ऐसे टेक्निक को हाथ पकड़ाए जो आसान हो और उसकी अभूतपूर्व परिणाम खेतों में दिखे, और मुझे लगता है इस प्रयास में हमको बच्चों स्टूडेंट्स मेरा और महिलाओं की भागीदारी अहम है, और इसीलिए मेरा प्रयास ये है कि मैं स्टूडेंट्स के साथ गांव में जाता हूं और किसानों के साथ मैं महिलाओं को भी आगे बढ़ने के लिए प्रयास कराता हूं, ताकि ये छोटी छोटी जो टेक्निक्स हम लोग डेवलप किए हैं उससे सस्टेनेबिलिटी की तरह हम लोग कदम बढ़ा सकते हैं, और इससे किसानों को फायदा भी हो रहा है। कुछ बता सकते हैं क्या किया है? सर हम लोगों ने बीज शोधन की टेक्निक को परफेक्ट किया है, हमने कुछ लोकल माइक्रोब्स को आइडेंटिफाई किए हैं, उससे जब हम बीज को शोधन करते हैं तो जब रूट्स आते हैं सर वो पहले से ही वही विकसित रूट जड़ बनते हैं, और उससे वो पौधा बहुत स्वस्थ बनते हैं, और उस पौधे में सर की बीमारियां कम लगती है क्योंकि जड़ इतने मजबूत हो जाते हैं, पौधे को वो एक अंदर से एक ताकत देते हैं कीट और बीमारियों से लड़ने के लिए। तो ये परिणाम लैब में करने वाला काम बता रहे हैं जी, लैंड पर कैसे करते हैं? लैब टू लैंड जब आप कह रहे हैं, आप खुद जा रहे हैं किसानों के पास जी सर, वो कैसे इसको करते हैं और वो कैसे शुरू करते हैं? सर हम लोगों ने एक पाउडर फॉर्मुलेशन बनाए हैं, और इस पाउडर फॉर्मुलेशन को हम किसानों को देते हैं और उनके हाथों बीज को शोधन करवाते हैं, और ये हम प्रयास कई सालों से निरंतर कर रहे हैं, और वाराणसी के आसपास के 12 गांव में हम लोग अभी इस कार्य को किए हैं, और महिलाओं की अगर संख्या की बात कहें तो 3000 से अधिक महिलाएं अभी इस टेक्निक नहीं तो ये जो लोग किसान हैं वो किसी और किसान को भी तैयार कर सकते हैं? बिल्कुल सर, क्योंकि जब वो पाउडर लेने के लिए एक किसान आते हैं वो और 4 किसानों के लिए साथ में लेके जाते हैं, और इसका क्योंकि देखा देखी किसान बहुत सीखते हैं, और मुझे ये बात की खुशी है कि हमारे जो हम जितने को सिखाए हैं उनसे और कई गुना लोगों ने अपनाए हैं इसको, अधिक पूरा संख्या मेरे पास। ज्यादातर किस फसल पे प्रभाव हुआ और किस फसल? सब्जी और गेहूं पे। सब्जी और गेहूं जी सर। ये जो प्राकृतिक खेती इस पर हमारा बल है जी सर, और जो लोग धरती माँ को बचाना चाहते हैं जी वे सब चिंतित हैं जिस प्रकार से हम इस धरती माँ की सेहत के साथ अत्याचार कर रहे हैं, उस माँ को बचाना बहुत जरूरी हो गया है जी सर, और उसके लिए प्राकृतिक खेती एक अच्छा उपाय दिखता है, उस दिशा में कोई चर्चा हो रही है वैज्ञानिकों में? जी बिल्कुल सर, प्रयास उसी दिशा में है, लेकिन सर किसानों को हम लोग अभी पूरी तरह कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं कि रसायन को आप प्रयोग ना करें, क्योंकि किसान डरते हैं कि हम रसायन के प्रयोग नहीं करने से मेरे फसल में कुछ नुकसान हो जाए। एक उपाय हो सकता है, मान लीजिए उसके पास 4 बीघा जमीन है तो 25% 1 बीघा में तुम ये प्रयोग करो, 3 में जो तुम परंपरागत करते हैं वो करो जी, यानी छोटा सा हिस्सा लो उसको एक प्रकार से अलग से तुम इसी पद्धति से करो, तो उसकी हिम्मत आ जाएगी। हाँ यार थोड़ा नुकसान होगा तो 10% 20% हो जाएगा जी, लेकिन मेरी गाड़ी चलेगी। गुजरात के जो गवर्नर है आचार्य देवव्रत जी, वे बहुत ही डेडिकेटेड है इस विषय में, काफ़ी काम करते हैं। अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे, क्योंकि आप में से बहुत से लोग हैं जो किसान का बैकग्राउंड वाले होंगे, तो उन्होंने प्राकृतिक खेती के लिए बहुत सारा डिटेल बनाया। ये आप जो एलकेएम देख रहे हैं ना, यहाँ पूरी तरह प्राकृतिक खेती का ही उपयोग होता है हर चीज़ का, यहाँ कोई केमिकल अलाउ नहीं है। वो ये आचार्य देवव्रत जी ने बहुत ही अच्छी फॉर्मूला डेवलप की है, कोई व्यक्ति उसको कर सकता है जी, गौमूत्र वगैरह का उपयोग करके करते हैं और बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। अगर आप उसको भी स्टडी करें आपकी यूनिवर्सिटी में क्या हो सकता है तो देखिए। जरूर सर, चलिए बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।